रील रिवाइंड। बात है ये 1996 की, जब एक रोज बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने प्रेस में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा पर ये इल्जाम लगाया कि वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही हैं और रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। क्या था ये पूरा मामला, इसी पर बात करेंगे आज के रील रिवाइंड में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रील रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। तो कहानी शुरू होती है साल 1993 से, जब फिल्म मोहरा के सेट पर रवीना की मुलाकात हुई अक्षय कुमार के साथ। फिल्म के सेट से ही दोनों के अफेयर के चर्चे आम होने लगे थे। उन्नीस सौ 1994 में फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही और साथ में सुपरहिट हो गई रवीना और अक्षय की जोड़ी भी। फिल्म के बाद मीडिया में दोनों के इश्क के किस्से तेजी से मशहूर होने लगे। जितनी तेजी से ये प्यार परवान चढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से इसके किस्से भी बढ़ रहे थे। इसी बीच एक दिन ये खबर भी आई कि दोनों ने शादी कर ली है, मगर कभी इस खबर को किसी ने कबूला नहीं। हालांकि कुछ वक्त बाद ही दोनों के अलग होने की खबरें भी उतनी ही तेजी से फैलने लगी, जिसकी एक बड़ी वजह बनी बॉलीवुड डीवा रेखा, क्योंकि अक्षय के साथ रेखा की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं और बात तो शादी तक भी पहुंचने वाली थी। अक्षय रेखा के प्यार में गिरफ्तार होते जा रहे थे और रेखा भी हदें पार करने में कतरा नहीं रही थी, पर रवीना को ये नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल अक्षय की सुपरहिट फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उनके साथ रेखा और रवीना दोनों ही थीं, मगर फिल्म में रेखा और अक्षय के खूब सारे हॉट स्टीमी इंटीमेट सीन शूट किए गए, जिनकी वजह से दोनों की नजदीकियां और बढ़ीं और रवीना की टेंशन भी। उनको ये नजदीकियां एक आंख न सुहाई। खबरों की माने तो रेखा अक्षय के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो घर से खाना लाती और फिर अक्षय और वो दोनों साथ में खाना खाते। ये रोज की बात होने लगी तो रवीना का गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्होंने रेखा को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अक्षय से दूर ही रहें। रवीना का कहना था कि जब रेखा को पता है कि वो और अक्षय साथ हैं, तो फिर वो अक्षय के साथ नजदीकियां क्यों बढ़ा रही हैं? उनको अपनी हद पता होनी चाहिए। अक्षय को लेकर रवीना और रेखा में काफी बहस भी हुई। खिलाड़ी अक्षय ने दोनों को अपनी तरह से हैंडल कर मामला खत्म करवा दिया और फिल्म की रिलीज के कुछ वक्त बाद ही अक्षय और रेखा का रिलेशन भी खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद अक्षय और रवीना का भी ब्रेकअप हुआ, क्योंकि रवीना का कहना था कि अक्षय उनके साथ लॉयल नहीं है और उन्होंने उनके अलावा भी दो और लड़कियों के साथ सगाई की है। जुगनी जुगनी, ओए होए, जुगनी जुगनी, होए, जुगनी जुगनी, होए। आज के रील रिवाइंड में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए रील रिवाइंड को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।